गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से ब्यूटीफुल। जी हाँ, आप लोग जान गए होंगे कि मैं कहाँ नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने भैया के घर आई हुई हूँ, बड़े भैया के घर, और सेलिब्रेट हम लोग राखी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो ये व्लॉग यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अगर आप लोग को ये वाला लुक अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूरी वाला मेकअप लुक शेयर करूँगी। तो चलिए राखी की सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। ये इसमें राखियाँ हैं मेरे पास में, तो चलिए तैयारी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे मैं राखियाँ निकाल रही हूँ क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी मायके की फैमिली, तो सब ने अपनी अपनी राखियाँ भेजी हुई थी, तो बहुत सारी राखियाँ बांधनी थी। तो मैं यहाँ पे सारी राखियाँ खोल रही हूँ और खोल खोल के अपनी थाली में सजा रही हूँ। पहले मैं थाली डेकोरेट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और ये मेरा भतीजा है जो मेरी हेल्प करवा रहा है, सबकी राखियाँ मतलब ला के दे रहा है कि बुआ ये वाली राखी रख लो, बुआ ये वाली राखी, मतलब सबकी राखियाँ आ चुकी थी। रक्षाबंधन के टाइम तक किसी की भी राखियाँ बची नहीं थी, सबकी राखियाँ आ गई थी। मेरी बड़ी दीदी लोग की और मेरी तो ऑलरेडी थी ही, और बाकी जो जहाँ से आने वाली थी सारी राखियाँ आ चुकी थी। तो वही राखियाँ मैं यहाँ पे सजा रही हूँ, और इस बार तो लड्डू की पहली राखी थी तो अपने भाई लोग को बांधने के लिए, तो उसकी भी राखियाँ हैं। डोरीमोन वाली राखी स्पेशली उसने खरीदी थी, सो दो राखियाँ उसने खरीदी थी, मेरे दो भतीजे हैं उनके लिए, ये उसकी पहली राखी थी, रक्षाबंधन था, तो ये उसकी राखियाँ मैं रख रही थी। बाकी सबकी भी मैं रख रही थी धीरे धीरे करके यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें भी मैं रखती जा रही थी। और ये एक राखी छूट गई थी, सबके नाम से मैं पूछ रही थी कि किसकी राखी आ गई, इसकी राखी आ गई, तो बाबू मुझे ला ला के दे रहा था, तो वही राखियाँ सबकी निकाल के रख रही थी। और बहुत टाइम बाद मैं मतलब भैया को राखी बांध रही हूँ, बहुत टाइम बाद, सो इसलिए। और ये राखी बहुत स्पेशल रही मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे मेरे भैया, भाभी और दोनों बच्चे थे, और छोटे वाले बाबू से तो मैं बहुत टाइम मतलब जब वो हुआ था उसके बाद से पहली बार मिल रही थी, तो ये राखी मिल रही ऑलरेडी बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। तो ये राखियाँ मैंने निकाल ली हैं, अब मैं दिखाती हूँ थाली कैसे सजाई। यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी थाली सजा ली है, और ये लड्डू है और ये बाबू है, और ये उधर बैठे हुए हैं, ये हॉल में अपना कुछ फ़ोन में काम कर रहे थे, तो ये मैंने थाली कुछ इस तरह से सजाई थी। और ये मेरे बड़े भैया हैं, आप देख सकते हैं, ये मैं राखी बांध रही हूँ उनको, और बहुत सारी राखियाँ हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा राखी बांधने में, सो इसलिए मेरे बड़े भैया हैं, और आप लोग इनसे कभी नहीं मिले, बट हाँ ये मेरे बड़े भैया हैं, सबसे बड़े वाले, मेरी फैमिली में सबसे बड़े भैया हम लोग, सबसे बड़े वाले भैया हैं ये मेरे। और ये छोटा वाला बाबू बैठा हुआ है जिससे मैं पहली बार मिली थी उसके होने के बाद में। सो ये मैं बारी बारी से सबकी राखियाँ मैं बांध रही थी यहाँ पे, और बहुत मतलब भैया का पूरा हाथ भर जाता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं भैया को राखी बांध पा रही हूँ। मैं छोटी थी तब मैं बांधा करती थी, जब मैं वहाँ रहती थी यूपी में मेरे बड़े पापा के पास में, तब हम लोग बांधा करते थे राखी और पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी। अब सबकी जॉब हो गई है तो सब अलग अलग रहते हैं, तो सब अपनी राखियाँ पहुँचा देते, बट मैं पहुँचा भी नहीं पाती थी। फिर एक बार भैया आए थे इंदौर तो फिर मैंने वहाँ पर राखी बांधी, उसके बाद ये मेरी तीसरी राखी मैं भैया को बांध रही हूँ। और मतलब इतनी सारी राखियाँ हो गई थी ना, हम सभी इतनी, हम लोग छः बहनें हैं और छः बहनों की राखियाँ ये मतलब पूरी सबने भेजी थी, तो मैंने सबकी राखियाँ बांधी थी। देन इसके बाद में मैं भैया को मिठाई खिलाती हूँ और आरती वो करते हैं। भैया के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी तो ये वहाँ पे बंधा हुआ है, भैया थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। ये मेरी भाभी हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सो ये मैं उनको राखी बांध रही हूँ, और मैं भी उनके लिए भी राखी, मतलब मैंने और मेरी छोटी वाली दीदी ने राखी भेजी थी, तो हम लोग के लिए भैया और भाभी दोनों हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको ये राखी बांध रही हूँ क्योंकि हम दीदी लोग दूर से नहीं आ सकते, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो इस वजह से हम लोग सबकी इकट्ठी राखियाँ हम लोग सबने भेज दी थी, तो मैंने सबकी राखियाँ बांध दी। और ये मेरी छोटी वाली दीदी की राखी है जो कि अलग से रखी हुई थी, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर भाभी ने दी, तो मैंने ये राखी दीदी को, भाभी को बांधी, और ये हम भाभी की पहली राखी है मेरे साथ में, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा लगा।
सो गाइज़ यहाँ पे मेरी दीदी ने भी मेरे जब मैं इंदौर गई हुई थी गाड़ी के लिए तो दीदी ने राखी दे दी थी, तो मैं उनकी राखी मैंने भाभी से बंधवा दी और ये इनकी राखी है। दीदी ने भेज दी थी मेरी राखी और इनकी राखी, तो इनकी राखी मैंने भाभी से बंधवा दी और दीदी वाली में भाभी ने दीदी वाली राखी भी मुझे भी बांध दी। सो उसके बाद से ये मीठा खिलाया जा रहा है और मस्ती होती जा रही है। देन इसके बाद ये लड्डू को गिफ्ट मिला है, उसने राखी बांध दी है, उसका क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी इसके साथ में। तो यहाँ पे लड्डू छू नहीं रही थी राखी, तो बस मैंने उसे टच करा के और मैंने अपने बाबू को बांध दी। ये मेरा सबसे बड़ा वाला भतीजा है और मैं लड्डू के हिस्से की राखी उसे बांध रही हूँ। तो उसकी भी राखियाँ बहुत सारी थी, सबने भेजी थी उसको राखियाँ, जितनी भी उसकी बहनें हैं, तो 3-6 बहनें इसकी भी हैं। तो उसको हर तरह अलग अलग तरह की बच्चों को कार्टून वाली राखियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो लड्डू ने भी उसके लिए डोरेमोन वाली राखी खरीदी थी। सो ये वो राखी मैं उसको सबकी हिस्से की राखियाँ मैं उसे बांध रही हूँ। ये वाला रक्षाबंधन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि बहुत टाइम बाद मतलब भैया से मैं मिली भी, मतलब भैया भाभी से मिली भी थी और दोनों भतीजों को देखा। अब तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी राखी थी मेरी, बहुत स्पेशल राखी थी और बहुत मतलब मज़ा भी आया और बहुत इन्जॉय भी किया। और ये लड्डू खड़ी हुई है पास में, आप देख सकते हैं भैया और ये छोटा वाला बाबू बैठा हुआ है, और बहुत मस्ती भी की हम लोगों ने और साथ एक साथ रहे, बहुत मज़ा आया राखी मतलब इन्जॉय की, मतलब राखी अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट की राखी। सो ये बाबू का पूरा हाथ ही भर जाता है राखी से और उसके बाद भी 2-1 बच जाती है, तो फिर हम मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं उसे बांध देती हूँ। और काफ़ी अच्छा रहा ये वाला रक्षाबंधन। और हम लोग के यहाँ कुछ ऐसी ही राखी मनाई जाती है, अभी तो हम लोग बहुत कम लोग थे पर हम लोग बहुत बड़ी फैमिली है हमारी है। जब इकट्ठे होंगे तो ज़रूर आप लोग के साथ में एक ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी मेरी पूरी फैमिली की। सो यहाँ पे मैंने अपने बाबू की नज़र उतार दी है। इसके बाद छोटू जो छोटा वाला बाबू है उसके लिए हम राखी बनाते हैं, तो ये लड्डू को उसका गिफ्ट मिल चुका है। एंड देन इसके बाद में हमारे छोटू की बारी आती है और बहुत अच्छे से और आराम से उसने राखी बनवाई है और बहुत मतलब इत्मीनान से। और यहाँ पे लड्डू को राखी टच करवाने के लिए बुलाया जा रहा था तो वो बुला नहीं, तो मैंने सोचा ये वाली मस्ती वाली क्लिप भी मैं ऐड कर दूँ। सो शायद छोटू वाली क्लिप है नहीं, अगर होगी तो मैं ज़रूर लास्ट में ऐड कर दूँगी, पर ये राखी सच में बहुत अच्छी थी और लड्डू की पहली राखी थी। सो गाइज ये था मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग, और ये रक्षाबंधन के मतलब आज का दिन है, आज ही ये व्लॉग जाना है। मैंने एंड शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था वहाँ से निकलते निकलते भैया के यहाँ से, फिर आने के बाद में लड्डू रोने लगी थी कि मुझे भैया पास जाना है, भैया पास जाना है, तो उसको मनाते मनाते मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने अभी एंड कर रही हूँ इसका। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग प्लीज़ साथ में बने रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।